हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एम ए आजाद, आप सबों का मेरे आजाद होम्योपैथिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लोअर बैक पेन कमर दर्द की समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं। कमर दर्द की समस्याएं बढ़ते उम्र में बहुत अधिक आदमियों में पाई जाती है। इससे पहले मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो से पूर्व में मैंने कई वीडियो बनाया जो कि आप सबों ने बहुत पसंद भी किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और बहुत से लाइक भी किया। दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। और मैं आपसे एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के शुरू से अंत तक में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो कि आप इनसे प्राप्त करते हैं और आप बहुत अच्छा अनुभव भी ले रहे हैं। दोस्तों, आज मैं लोअर बैक पेन कमर दर्द की समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं। कमर दर्द की समस्या बढ़ते उम्र में यह अधिक समस्याएं पाई जाती है। ये बढ़ते उम्र में जैसे कुछ आदमी बहुत अधिक देर खड़े खड़े होकर काम करते हैं या वर्क करते हैं, ऐसे आदमियों में ये समस्याएं अधिक पाई जाती है। लोअर बैक पेन मेल फीमेल दोनों में समस्याएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है यह है कि फीमेल में मेल के अपेक्षा अधिक लोअर बैक पेन की समस्याएं देखने को आ रहा है। वजह इनकी यही होती है कि महिलाएं घर में खड़े होकर 2 से 3 घंटे तक काम करते रहती है, इस वजह से इनकी लोअर बैक पेन की समस्याएं इसमें अधिक आ रही है। और महिलाओं की एक और समस्याएं आती है, वो है कैल्शियम की कमी। लेडीज की एक बीमारी होती है जिसमें कि कैल्शियम की क्षति हो जाती है, कमी हो जाती है, इस वजह से भी कमर दर्द की समस्याएं उनको झेलना पड़ता है। मैं अगले वीडियो में महिलाओं की कमर दर्द की समस्याओं की मुख्य वजह का कारण मैं बताऊंगा और उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों, आज मैं जो बातें कर रहा हूं, एक्यूट लोअर पेन हो, चाहे पुराने से पुराने कमर दर्द की समस्या हो, दोनों में यह दवाई काम आती है और यह दवाई आप चलाएं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कई ऐसे पेशेंट को अपने यहां ठीक किया हूं। पुराने से पुराने पेशेंट को मैंने कमर दर्द की समस्याओं से ठीक किया हूं और इसी दवाई से ठीक किया हूं। कमर दर्द की समस्याओं से छोटे बड़े सभी अवगत होंगे, क्योंकि यह आम सी समस्याएं होती है। कमर दर्द, कमर पर वजन उठाने से, कमर पर मोच आ जाने से, या कमर की नसें दब जाने से, या कमर की नसें टूट जाने से, या कमर में हड्डी बढ़ जाने से, कमर की हड्डियां बढ़कर आपस में मिल जाने की वजह से, या कमर की हड्डियां बीच से टूट जाने की वजह से, या अलग हो जाने की वजह से कमर दर्द की समस्याएं हो जाती है। हमारी कमर मांसपेशी, हड्डी, स्नायु बंधन, नसों की डिस्क की संरचना जैसी बनी होती है। कमर दर्द बहुत कष्टदायक होता है। यह अक्सर 40 वर्ष के उम्र से अधिक के आदमियों में पाया जाता है। यह दर्द काम करने वाले ऐसे मनुष्य जो खड़े खड़े होकर 3 से 4 घंटे काम क्या करते हैं, ऐसे मनुष्यों को कमर दर्द की समस्याएं झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को किडनी इन्फेक्शन हो जाने के वजह से भी कमर दर्द की समस्याएं होती है, लेकिन किडनी के वजह से बहुत कम ऐसे मनुष्यों को होती है। अक्सर नसें दब जाना,
नसें टूट जाना, कमर पर वजन पड़ जाना या खेलते समय कमर के बल गिर जाना। ऐसी स्थिति में कमर दर्द की समस्याएं हो जाती है, कमर दर्द लोअर पेन हो जाती है। लोअर पेन एक्यूट लोअर पेन अगर हो तो यह 2 से 3 या 4 दिन में ठीक हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाती है। लेकिन जो पुराना दर्द, अधिक दिनों का दर्द, कमर दर्द बना रहता है, उसमें दवाई आपको कंटिन्यू चलानी है और 3 महीने तक चलानी है। यूं तो आप इस दवाई को खरीद कर जब चलाएंगे तो 15 दिन में आपको फायदा नजर आने लगेगा, आप ठीक होने लगेंगे, स्वस्थ होने लगेंगे। आपको मैं दवाई के बारे में बता रहा हूं, आप इनको सावधानी पूर्वक सुने और लिख भी लें। कमर दर्द बहुत कष्टदायक होता है, उठते बैठते बहुत अधिक परेशानी होती है, दर्द खिंचाव जैसा भी हो सकता है, चुभन जैसा भी महसूस हो सकता है। किसी किसी को तो चलते फिरने के बाद दर्द अधिक, किसी किसी को चलने फिरने के बाद दर्द कम भी हो जाती है। दोस्तों, मैं ये जो दवाई लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, आप इन्हें लिख लें। दवाई नंबर 1 जो बताने जा रहा हूं, ये दवाई जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, दवाई नंबर 1 अर्निका माउंटेन 200 CH। ये अच्छे अच्छे डॉक्टर इस दवाइयों को चलाते हैं और लिखते भी हैं। ये दवाइयां बहुत अच्छी होती हैं। चोट लग जाए, मोच आ जाए, कहीं ब्लड जम जाए, नसों की कोई दिक्कत हो जाए तो अर्निका माउंटेन ही चलाते हैं। दवाई नंबर 2 नक्ष भूमिका 30 CH प्लस रूटाजी, एक साथ आप मिला लें और इनको 4 बूंद 3 टाइम खाएं। दवाई नंबर 3 रस्टअप। ऐसे पेशेंट, ऐसे रोगी जिनको चलने फिरने के बाद कमर दर्द हल्का महसूस हो या कम हो जाए तो रस्टक्स बहुत फायदेमंद है। रस्टक्स 30 CH 4 बूंद 3 टाइम खानी है। दवाई नंबर 4 कल्केरिया फलुरिका 6x टैबलेट 4 गोली दिन में 2 टाइम खानी है। दवाई नंबर 5 पेन किलर वायल। दवाई नंबर 5 पेन किलर वायल, ये वायल है दोस्तों, इसे सावधानी पूर्वक उंगली में लेकर जहां पर दर्द है वहां लगानी है, क्योंकि पेन किलर वायल को लगानी है, सावधानी यहीं पर रखनी है। पेन किलर वायल से मालिश नहीं करनी है, सिर्फ इनको लगानी है। पेन किलर वायल 30 ml की खरीदनी है और इन सभी दवाइयों को एक साथ चलानी है। मैं सभी दवाइयों का लिखा हुआ नाम आपको दिखा रहा हूं, आप देख लें और इनको लिख भी लें। दोस्तों, दवाई नंबर 1 जो इसमें लिखी हुई है अर्निका माउंटेन 200 CH, 4 बूंद 3 टाइम खानी है। अगर डायरेक्ट टन में, डायरेक्ट टंग में खाने में परेशानी हो तो आप छोटी से बोतल में, छोटे से कप में, छोटे से प्याले में थोड़ा सा पानी ले लें और फिर उसमें 4 बूंद टपका कर आप उनको पी लें। दवाई नंबर 2 नक्ष भूमिका और रूटाजी, इन दोनों को एक में मिला लें और 4 बूंद 3 टाइम डायरेक्ट टंग में लें। दवाई नंबर 3 रस्टक्स, बहुत अच्छी दवाई, 4 बूंद 3 टाइम डायरेक्ट टंग में लें। दवाई नंबर 4 कल्केरिया फ्लोरिका 6x यह टैबलेट होती है दोस्तों, 4 टैबलेट 2 टाइम खानी है। दवाई नंबर 5 पेन किलर वायल, दर्द के जगह पर लगानी है। मैंने बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां आपको बताया, आप इन्हें खाएं, इस्तेमाल करें। ये सारी दवाइयां SBL कंपनी की 30 ml में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से खरीदनी है।
और इन्हें सावधानी पूर्वक चलानी है। परहेज, केला नहीं खाएं, दही नहीं खाएं, अचार बिल्कुल नहीं खाएं। इस वीडियो को देखने वाले जो नए आदमी हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, आप सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगली वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष जो मैं लाऊंगा वीडियो बनाकर, बच्चे के कान में छोटे छोटे मुआद भरे फुंसियां हो जाना, घाव हो जाना, कान पक जाना, लाल हो जाना और दर्द के मारे बच्चे दिन भर रोते रहते हैं, इस पर मैं वीडियो अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं। क्योंकि कुछ मित्र कमेंट के द्वारा हमें बोले कि छोटे छोटे बच्चों के कान में बहुत अधिक घाव हो जाने के वजह से दिन भर रोते रहते हैं, आप इन पर एक वीडियो अवश्य बनाएं। दोस्तों मैं अवश्य बनाऊंगा, अगला वीडियो अवश्य आप देखें, लाभ उठाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।